असल रान मैं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश अकेडमी आज बात करने वाले हैं लोकेशन ऑफ एक्सिस के बारे में कि किसी भी एक्सिस की लोकेशन क्या वो किस पॉइंट पे मौजूद है इसका इक्विलिब्रियम पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है इस बारे में बात करेंगे और जो पूरा प्रिंसिपल है आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हम जो बात करेंगे ना वो ये है कि अगर एक बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्वलीवियम में है और जो उसके ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क है वो जीरो है अबाउट अ गिवन पॉइंट एक पॉइंट के गिर्द वो जो पॉइंट है ना वही एक्सिस है जिसके गिर्द जो है वो रोटेशन हो रही है और उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन सो इफ अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड द नेट टॉर्क एक्टिंग अबाउट गिवन पॉइंट इज जीरो जीरो है इट मस्ट बी जीरो एट एनी अदर पॉइंट कोई भी बॉडी है उसका नेट टॉर्क अगर जीरो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ठीक है ना उसका जो नेट टॉर्क है वो जीरो है अबाउट अ पॉइंट जो कि उस बॉडी पर मौजूद है तो कहने का मकसद ये है कि वो पॉइंट उस बॉडी पर चाहे कहीं भी हो जो नेट टॉर्क है वो जीरो के बराबर होगा अगर वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में मौजूद है ठीक है ना समझने में थोड़ी सी मुश्किल बात है जब प्रूफ करेंगे फिगर देखोगे उससे बात क्लियर होगी हम क्या बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पे हमारे पास हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं जिसमें एक यूनिफॉर्म बार है जिसकी लेंथ जो है वो एल के बराबर है और वो रेस्ट कर रहा है टू पैक्स पे टू फलक्रम्स पे जो कि उसके एंड्स पे रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से ठीक है ना ये लकड़ी का एक टुकड़ा है या बार है यूनिफॉर्म लेंथ है इसकी यूनिफॉर्म बार है और ये दो पैक्स पर रेस्ट कर रहा है और ये दोनों पैक्स जो है वो अः उसके एंड्स के करीब रखे हुए हैं ठीक है जी अब क्या है ये जो बार है अगर ये इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस तीन फोर्सेस में ये जो है वो अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलीवियम है अब एक तो है वेट ऑफ बार जिसको हमने W से शो कराए और दो फोर्सेस हैं एफ वन और एफ टू की जो ऊपर की तरफ लगा रहा होंगे ये दोनों फलक्रम्स या ये दोनों पेग्स जो लकड़ी के टुकड़े हैं जो बार के नीचे रखे हुए हैं इस तरीके से देखो इसकी ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है एफ ठीक है ना और ये भी इसको ऊपर की तरफ पुष्ट कर रहा है रिएक्शन हो गई एफ और फिर जो वेट होता है वो होता है एट एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी और अगर ये यूनिफॉर्म बार है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर में होगा सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर में होगा और इसी वजह से जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसका मतलब इस सिस्टम के ऊपर तीन फोर्सेज लग रही हैं एफ वन और एफ जिनमें एफ और एफ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और डब्ल्यू जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ठीक है समझ में आ गई बात पूरी फिगर क्लियर हो गई इसी पर ही बात करनी है आ आगे अब क्या है Uh, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करूं तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस हैं इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वो इक्वल टू जीरो होनी चाहिए तो देखो फिलहाल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो क्योंकि एक्स एक्सिस में यहाँ पे कोई फोर्स लगी नहीं रही है यहाँ पे तीन फोर्सेज हैं एफ वन है एफ टू है और डब्ल्यू है और तीनों के तीनों वाई एक्सिस में एक्ट कर रहे हैं तो इस सिस्टम के ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ज़ीरो है अच्छा सेकंड पार्ट क्या कहता है सेकंड पार्ट कहता है कि जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस हैं एक्टिंग इन वाई एक्सिस वो भी जीरो होने चाहिए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वाई एक्सिस में तीनों फोर्सेस हैं और उन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए उन तीनों का सम बराबर होना चाहिए जीरो के लाइक like दिस तो एफ वन और एफ क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो मैंने उनको लिखा एफ वन और क्योंकि डब्ल्यू जो है वो उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में डब्ल्यू जो है वो डाउनवर्ड है इस वजह से हम ये कहेंगे इसको आगे यूज भी करेंगे कि एफ वन और माइनस डब्ल्यू किसके बराबर होगा जीरो के या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं देखो एफ वन प्लस एफ टू बराबर होगा डब्ल्यू के यानी जो पैक्स की फोर्सेज हैं जो पैक्स के रिएक्शन है ऊपर की तरफ वो वेट के बराबर होंगे तभी ये इक्विलिब्रियम में मौजूद रहेगा ओके जी इस कंडीशन को आगे यूज करना है अब टॉर्क की जो इक्वेशन है उसके लिए हमें एक एक्सिस चूज करना पड़ेगा ठीक है ना जिसके अराउंड जो है मुझे टॉर्क नापनी होगी आ, तो हम क्या सपोज करते हैं हम सपोज करते हैं कि ये जो एक्सेस है वो पास कर रहा है पॉइंट ओ से और जो पॉइंट ओ है वो है सेंटर ऑफ द बार ये जो बार है इसका सेंटर है यहां पर कहीं पर वो एक्सेस यहां से पास हो रहा है लाइक दिस ठीक है इस तरीके से पास हो रहा है तो अब जो सारी की सारी कैलकुलेशन हम करेंगे वो इसी पॉइंट के इर्द गिर्द करेंगे क्योंकि हमें मोमेंट आर नापना होता है ना तो मोमेंट आर नापना होता है फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन तो वो पॉइंट ओ होगा वहीं से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे सो so, अगर हम यूज करते हैं सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि नेट टॉर्क बराबर होना चाहिए जीरो के इसके ऊपर लगने वाली तमाम टॉर्क्स का जो सम है वो बराबर होना चाहिए जीरो के अगर ये जीरो के बराबर होगा तो हाँ दो बातें और आपको पता होनी चाहिए एक तो ये कि सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो और दूसरी बात ये अगर टॉर्क होती है क्लॉकवाइज तो उसे हम ट्रीट करते हैं नेगेटिव और अगर वो टॉर्क होती है एंटी क्लॉक वाइज उसे हम कंसिडर करते हैं एज पॉजिटिव ठीक है ना इन दोनों को तो हमने यहां पर यूज करना ही करना है तो आप देख सकते हो यहां पर जो टॉर्क ये है सेंटर ठीक है जिसके अराउंड प्रोड्यूस होगी तो वेट तो बहरहाल सेंटर में ही लाए कर रहा है तो वो एंटी क्लॉक वाइज हो क्लॉक वाइज हो वो तो टॉर्क को प्रोड्यूस नहीं करवा पाएगा एफ वन और एफ टू ने टॉर्क तो प्रोड्यूस कराना है एफ वन जो टॉर्क प्रोड्यूस कराएगा वो इस तरीके से कराएगा ये कौन सी डायरेक्शन होती है ये कहलाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ठीक एफ टू जो प्रोड्यूस कराएगा करोड कराएगा? कराएगा के, तो करा तो के बराबर ही होने वाली है ठीक है तो हम एफ वन और एफ टू को यूज करेंगे एफ वन जो है वो नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एफ टू जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो हम ऐसे लिखेंगे देखो एफ वन माइनस का माइनस का क्यों क्योंकि वो क्लॉक वाइज प्रोड्यूस कर रही है टॉर्क तो इस वजह से लिखेंगे और उसका मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई कराएंगे टॉर्क का ये होता है ना मोमेंट आर्म तो मोमेंट आर्म का मतलब हो गया यहां से लेके यहां तक का फासला अब टोटल जो लंबाई है वो एल के बराबर है तो यकीन ये फासला एल का हाफ होगा और ये वाला फासला भी एल का हाफ होगा इसी को यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एल ओवर टू अच्छा जी प्लस दूसरी जो फोर्स है एफ टू के बारे में लिख दो तो एफ टू जो है वो एंटी क्लॉक वाइज है तो उसको हम कर देंगे F2 into, इसका भी डिस्टेंस कितना है है ठीक ना आ गया और फाइनली फाइनली हमारे हमारे पास पास क्या बचा वेट बचा है तो वेट को तो आप प्लस में भी लिख दो माइनस में लिख दो नो प्रॉब्लम क्योंकि वेट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई फासला है ही नहीं वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लाए कर रहा है ये सब बराबर होने चाहिए जीरो के तीनों टॉर्स मिलाकर जीरो के बराबर आना चाहिए ठीक है जब तीनों का देखो डब्ल्यू मल्टीप्लाई बै जीरो तो किसके बराबर हो जाएगा जीरो के तो हमारे पास बचेगा माइनस का एफ वन इन टू एल ओवर टू और प्लस यहाँ पर आ जाएगा एफ टू इन टू एल ओवर टू इज इक्वल टू जीरो यहाँ से एल ओवर टू कॉमन आ जाएगा तो आप क्या करो एल ओवर टू लो कॉमन तो यहाँ पे बच जाएगा एफ टू माइनस एफ वन ठीक है एफ वन माइनस एफ टू या एफ टू माइनस एफ वन एक ही बात है इज इक्वल टू जीरो वैल्यू मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में जाएगी जीरो हो जाएगी तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आएगी वो ये है कि एफ टू माइनस एफ वन किसके बराबर आ जाएगा जीरो के ठीक है ना बाकी तो सारी वैल्यूज दूसरी तरफ जाके जीरो हो गई तो एफ टू माइनस एफ वन इज इक्वल टू जीरो अब इस कंडीशन को भी जहन में रखना है दो बातें हो गई एक पिछली वाली कंडीशन थी और एक ये वाली कंडीशन है इन दोनों को जहन में रखना है क्योंकि इसको हमें आगे यूज करना है अब क्या करेंगे अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था जो कि ओ पे लाए कर रहा था अब हम उसको शिफ्ट कर देते हैं उस एक्सिस की लोकेशन को शिफ्ट कर देते हैं और उसको पॉइंट पी पर पहुंचाते हैं पॉइंट पी जो है वो क्या है वो लाए कर रहा है राइट साइड ऑफ दी ओपर, पर ओ के राइट साइड पर यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है ये पी है और इसका फासला एक्स है ठीक है ना इसका फासला एक्स फासला है ओ से तो अभी हम अपने एक्सिस को शिफ्ट करेंगे ठीक है ये एक्सिस आ गया हमारे पॉइंट पी पर तो ये पॉइंट ओ था और ये कौन सा पॉइंट हो गया पॉइंट पी हो गया ठीक है ना और आप देख सकते हो कि इसका जो डिस्टेंस है ओ से वो किसके बराबर है वो बराबर है एक्स के उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ टॉर्क बनानी है तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अब आप देखिए क्या चीज किसके बराबर है अब ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया यहां से अब ये वाली जो फोर्स है इसका फासला कितना रह गया देखो टोटल फासला कितना था यहां से यहां तक का फासला था एल ओवर टू के बराबर अब एल ओवर टू में से अगर आप ये वाला फासला माइनस कर दो तो हमारा अब नया वाला मोमेंट आर्म बनेगा तो ये फासला किसके बराबर है ये फासला एक्स के बराबर है यह आ गया एक्स तो इसका मतलब अब पी से एफ टू तक का फासला किसके बराबर है ये वाला फासला पी से एफ टू तक का फासला किसके बराबर है एल ओवर टू माइनस एक्स के ठीक है ना टोटल फासला एल ओवर टू था उसमें से एक्स को माइनस कर दिया तो अब हमें पी से एफ टू तक का डिस्टेंस मिल जाएगा जबकि अब अगर वेट तक का डिस्टेंस नापना है तो देखो वेट तक का तो ईजी है जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वहाँ से वेट तक का फासला एक्स के बराबर है जो कि नीचे भी लिखा हुआ है और फाइनली अगर डिस्टेंस नापेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का तो आप देख सकते हो इतना फासला ऑलरेडी क्या है लेंथ का हाफ है और अब उसमें एक्स को एक्स्ट्रा एड कर देंगे तो फासला बढ़ जाएगा तो टोटल फासला हो जाएगा एल ओवर टू प्लस एक्स पहले दोनों के फासले एल ओवर टू थे लेकिन अब एफ टू के लिए फासला कम हो गया कितना कम हो गया एक्स कम हो गया और एफ वन के लिए कितना बढ़ गया एक्स बढ़ गया इस वजह से एफ वन का मोमेंट आर्म ये है एफ टू का मोमेंट आर्म ये है और वेट का मोमेंट आर्म बराबर है एक्स के तो अब अगर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस का एफ वन माइनस का एफ वन इस वजह से क्योंकि

और फाइनली आ जाएगा हमारा वेट और वेट भी पॉजिटिव है क्योंकि ये भी एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क बनाएगा वेट भी अगर इसको रोटेट करेगा तो इस तरीके से करेगा ठीक है ना क्योंकि अब तो तो ऑफ रोटेशन ये ये है तो ये इस तरीके से एक्ट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस का डब्ल्यू और डब्ल्यू का डिस्टेंस बराबर है एक्स के हम इसका टोटल निकाल रहे हैं और ये बात याद रखो कि हम निकाल रहे हैं सम ऑफ ऑल टॉर्क और ये भी किसके बराबर आना चाहिए ये बराबर आना चाहिए जीरो के तो बात साबित हो जाएगी कि पहले भी टॉर्क जीरो था और अब भी टॉर्क जीरो के बराबर है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा माइनस का एफ वन इन एल ओवर टू यह आ जाएगा माइनस का एफ वन इन एक्स फिर आ जाएगा प्लस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एल टू और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस का क्या बनेगा एफ टू एक्स ठीक है ना माइनस का एफ टू एक्स आएगा क्योंकि यहां पे माइनस है और फिर आ जाएगा प्लस का W इन टू एक्स तो L अपॉन टू वाली जो चीजें हैं दोनों इनमें से L अपॉन टू कॉमन ले लो जैसे कि पहले कॉमन आया था ये हो जाएगा L ओवर टू और आ जाएगा उसी तरीके से एफ टू माइनस एफ वन ठीक है जी और फिर बाकी जो बचे हैं तीनों ये बचा है ये बचा है ये बचा है, है इसमें से आप एक्स को कॉमन ले लो तो एक्स कॉमन आ जाएगा क्या बचेगा डब्ल्यू बचेगा प्लस का माइनस का एफ वन बचेगा और माइनस का एफ टू माइनस का एफ वन बचेगा और माइनस का एफ टू बचेगा ये टोटल टॉर्क आ रहा है ठीक है और हमें साबित करना है कि जीरो के बराबर है अब जरा आप कंडीशन याद कीजिए कंडीशन क्या याद करनी होगी आपको इससे पिछले वाले पेज पर आप थोड़ा पीछे करके वीडियो को देख सकते हो हमने देखा था कि एफ टू माइनस एफ वन जीरो के बराबर आ रहा था ठीक है एफ वन माइनस एफ टू बराबर आ रहा था जीरो के और ये जो डब्ल्यू माइनस एफ वन है माइनस एफ टू है

और ये पूरी वैल्यू जो ब्रैकेट है ये भी बराबर है जीरो के जब ये सब बराबर आ गया जीरो प्लस जीरो इट मीनस इज इक्वल टू जीरो तो अब आपने देखा हमने जब एक्सिस ऑफ रोटेशन को ओ पे रखा था तो, तो समीरो आ ही रहा था और था जीरो के बराबर और अब भी जब हमने एक्सिस को शिफ्ट कर दिया पी पर तब भी टोटल टॉर्क बराबर आ रहा है जीरो से ठीक है तो इसका मतलब हम किस नतीजे पहुंच सकते हैं हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट इन चूजिंग द द अबाउट मोमेंट इज टू बी टेकन हम जो है इंडिपेंडेंट है हम आजाद हैं कि वो जो एक्सेस है जिसके अराउंड हम टॉर्क को नापना चाह रहे हैं तो हम आजाद हैं कि हम कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं यानी कि जो लोकेशन ऑफ एक्सेस है वो किसी भी पॉइंट की हो सकती है वो हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द मूवमेंट ठीक है ना तो यही सारी बात हमें समझनी थी कि जो लोकेशन ऑफ एक्सेस है वो किस तरीके से काम करता है और एक बड़ी बत तो अब हम कौन सा पॉइंट चूज करें मतलब हमारे जहन में सवाल आना चाहिए कि इतनी बड़ी बॉडी है कौन सा पॉइंट चूज करें तो उसके लिए आप एक बात याद रखिए हमें एक ऐसा एक्सेस चूज करना है पहली बात जो अनोन फोर्सेज हों अगर ठीक है एक्टिव है इन मे बी एक्टिव हो सकती हैं तो आप मूवमेंट को चूज करते हुए याद रखें कि वो जो अननोन फोर्सेस जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता उनका मूवमेंट आर्म जीरो होना चाहिए या सिंपल लफ्जों में कह सकता हूं कि आप वो एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करें वो पॉइंट आप एक्सिस सपोज uh, करें फलक्रम सपोज करें जहां पर अननोन फोर्सेस लाए कर रही हैं ठीक है ना और क्योंकि अगर आप ऐसा सपोज करोगे तो अननोन फोर्सेस का मूवमेंट आर्म जीरो हो जाएगा तो आपको उनको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है भाई दोबारा से मेरी बात को समझने की कोशिश करो आ, हमारे पास एक पूरा रॉड है उस पर हम कोई भी पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज कर सकते हैं लेकिन कौन सा चूज करें जो हमें आसानी दे तो याद रखो वो पॉइंट चूज करो के उस पॉइंट के ऊपर अननोन फोर्सेस लाए कर रही हूं

वो फोर्सेस जो कि अननोन है आप कोशिश करें कि उनको आप डालें यानी कि जो आप सपोज करें कि उनको जो एक्सेस है वो उसी पॉइंट के ऊपर लाया कर रहा है और दूसरी बात ये कि कम से कम फोर्सेस शामिल हो हमारी कैलकुलेशन में ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो